लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों को न सरकार जीने दे रही है न मरने दे रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ सरकार के अधिकारी जो रवैया अपना रहे हैं उनको देखकर मैं ऐसा कह रहा हूं। अभी बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है और बीपीएससी ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तिथि घोषित कर दिया है। और इधर एसटीईटी 2023 बीएसईबी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित करवाई जा रही है, जिसकी तिथि भी घोषित की जा चुकी है, एडमिट कार्ड भी आ चुका है। अब बीएसईबी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इतना तानाशाही रवैया अपनाया है कि आप देखिए कि जब बीपीएससी द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जा रहा है शिक्षक भर्ती के लिए, उसी तिथि में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हमें फोन किया कि उसी दिन जिस दिन उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है शिक्षक बहाली के लिए, उसी दिन एसटीईटी 2023 का इनका एग्जाम भी हो रहा है, इनका एडमिट कार्ड आया है कि उसी दिन उनकी परीक्षा होगी। अब आप सोचिए कि कोई अभ्यर्थी बीपीएससी शिक्षक बहाली के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए या उसी दिन वो एसटीईटी 2023 की परीक्षा देने जाए, क्या ये संभव है? तो बीएसईबी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी, उनको क्या इतनी समझ नहीं है कि जब बिहार में ही शिक्षक बहाली चल रही है और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, तो उस बीच में हम एसटीईटी 2023 की परीक्षा आयोजित ना करवाएं, या जितने भी अभ्यर्थियों का उस डेट उस तिथि को है कम से कम उनका परीक्षा उस दिन ना करवाएं? इनको इतनी हड़बड़ी क्यों है? बीएसईबी को इतनी हड़बड़ी क्यों है? अब वो अभ्यर्थी क्या करे? ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी है जिनका कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शिक्षक भर्ती के लिए और एसटीईटी 2023 की परीक्षा का डेट दोनों एक ही दिन हो गया है, अब वो क्या करें? तो क्या सरकार को इस पे संज्ञान नहीं लेना चाहिए? शिक्षा विभाग को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? जो बीएसईबी के अधिकारी और खासकर बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर जी के द्वारा जो तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, तो इस पे क्या शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? इन अभ्यर्थियों के साथ क्या न्याय नहीं होना चाहिए? दूसरी ओर देखिए, बीएसईबी एडिट का मौका नहीं दे रही थी। एडिट के मौके के लिए हम लोग बार बार आवाज उठाए, हजारों ऐसे अभ्यर्थी थे, अभी भी हैं, हजारों अभ्यर्थी हैं जिनका सर्वर स्लो की वजह से या साइबर कैफे वाले की गलती की वजह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलती भरा गया, उनको भरना था मैथ, भरा गया साइंस, तो इनको सुधार करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन बीएसईबी ने क्या दिया? एडिट का मौका दिया, लेकिन क्या एडिट कर सकते हैं आप? डेट ऑफ बर्थ, नाम, ये सब एडिट कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरत थी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को सुधारने का मौका मिले, वो नहीं दिया गया। अब आप सोचिए, जिन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही गलत भर दिया तो वो परीक्षा कैसे देंगे? क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा है, ये ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, तो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इनका भरा गया उसी का क्वेश्चन आएगा। ऑफलाइन परीक्षा रहती तो मान लीजिए सभी को एक ही में क्वेश्चन रहता था, जिससे मन होता ये बनाते, बाद में देखा जाता क्या होगा नहीं होगा। लेकिन ये ऑनलाइन परीक्षा हो रही है तो जिस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इन्होंने भरा है उसी का क्वेश्चन इनके सामने आएगा। अब ये क्या करें? अगर उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन बना भी लेते हैं तो क्या इनको डिग्री मिलेगी? इनको सर्टिफिकेट मिलेगा? एसटीईटी पास का सर्टिफिकेट मिलेगा अगर ये मार्क्स लाते हैं तो? क्योंकि इनका तो फिर ग्रेजुएशन में कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का कुछ और होगा। तो बीएसईबी को मौका देना चाहिए था अभ्यर्थियों को, कि एडिट का मौका देना चाहिए था कि अभ्यर्थी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सुधार सके। हजारों अभ्यर्थी हैं, ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं और बीएसईबी का चक्कर भी लगा रहे हैं कई दिनों से, लेकिन बीएसईबी के अधिकारी इतने तानाशाह हो गए हैं कि ये लोग सुनते नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं अभ्यर्थियों के हित में। तो क्या सरकार को इस पे संज्ञान नहीं लेना चाहिए? अपियरिंग को मौका नहीं दिया गया, जबकि सीजेट साल में 2 बार होता है, फिर भी अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका मिलता है। यहां जो फॉर्म भर दिए वो भी पछता रहे हैं, जो फॉर्म नहीं भर पाए एसटीईटी का वो भी पछता रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि सरकार न जीने दे रही है शिक्षक अभ्यर्थियों को, न मरने दे रही है। आखिर आनंद किशोर जी क्या समझ रहे हैं अपने आप को? आनंद किशोर जी क्यों ऐसा कर रहे हैं? सरकार इन पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए कि अभ्यर्थियों को परेशान करके रखा हुआ है एक ही राज्य में, और वो भी शिक्षक बहाली की ही प्रक्रिया चल रही है। एसटीईटी भी तो शिक्षक भर्ती के लिए ही हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि अलग तरह का एग्जाम है, तो फिर एक ही दिन एक अभ्यर्थी का 2-2 परीक्षा कैसे हो सकता है? उस दिन वो काउंसलिंग कराएंगे, उसी दिन वो परीक्षा देंगे, कैसे संभव है? क्या इतना भी दिमाग नहीं है इन लोगों को? बीएसईबी के अधिकारियों को क्या इतना भी नहीं दिमाग है? हम सरकार से मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि आप ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए। यह एसटीईटी 2023 आखिर हो किसके लिए रहा है? क्या ऐसा तो नहीं
कि कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए एसटीटी 2023 आयोजित की जा रही है? संदेह उत्पन्न हो रहा है, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जो जो रवैया अपनाया गया है, जिस दिन से एसटीटी का फॉर्म आया, विज्ञापन आया, उस दिन से देखा जा रहा है कि इनका रवैया, बीएससीबी का रवैया ऐसा लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने का मौका ही ना मिले। हम लोग मांग कर रहे थे अपियरिंग में मौका दीजिए, उम्र सीमा में छूट दीजिए, तो उम्र सीमा को लेकर जब हाईकोर्ट का तमाचा लगा तो इन्होंने फॉर्म भरने का मौका दिया सिर्फ 2 दिन, उसमें भी इनका सर्वर काम नहीं कर रहा था, बहुत सारे लोग फॉर्म भी नहीं भर पाए। तो आखिर एसटीटी 2023 किनके लिए आयोजित की जा रही है? सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और इसकी जांच करवाई जानी चाहिए। और अभी भी हम सरकार से मांग कर रहे हैं, बीएससीबी से, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मांग कर रहे हैं, शिक्षा विभाग से मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि एडिट का मौका दीजिए, क्योंकि हजारों अभ्यर्थी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिनका गलती हो गया उनके परीक्षा देने से भी कोई फायदा नहीं हो पाएगा। और ऐसे अभ्यर्थियों को आप मौका दीजिए जिनका की काउंसलिंग है, जिनका की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उसी दिन है और एसटीटी 2023 परीक्षा भी उसी दिन पड़ गया है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की परीक्षा आप किसी और दिन लीजिए, ऐसे अभ्यर्थियों के साथ आप न्याय कीजिए। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।